हेलो। हाँ जी, कौन? मैं शर्मा जी बोल रहा हूँ। मैं कहाँ से शर्मा जी? यहाँ से बोल रहा हूँ, देहरादून से। हाँ अच्छा, देहरादून से बोल रहे हैं। जी, मुझे किससे बात करनी है आपको? द्वारा करोड़ा से। सॉरी, मैं तो सचिन बोल रहा हूँ जी। चलो कोई नहीं, रॉन्ग नंबर। चलो कोई बात नहीं। दोस्तों, क्या आपको भी इस तरीके की अननोन नंबर से कॉल आते रहते हैं आपके मोबाइल में? तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ढेर सारे जो अननोन नंबर से आपके मोबाइल में कॉल आते हैं उनसे आप बच सकते हैं। तो आज की ये वीडियो दोस्तों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टेक गौरी। तो सबसे पहले दोस्तों आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को यार एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हेल्पफुल वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब दोस्तों मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप जो अननोन नंबर को जो है उनको आप सेटअप कर सकते हैं अपने मोबाइल में। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको और बता देता हूँ कि आपके मोबाइल में उसी का कॉल आपको आएगा जो नंबर की आपके मोबाइल में सेव होंगे। अदरवाइज जो अननोन नंबर सेव नहीं होंगे आपके मोबाइल में उनका कॉल आपको किसी का भी नहीं आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा यहाँ पे ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। यहाँ पे ये मेरा मोबाइल है और ये जो मोबाइल है ये मेरा जो है अननोन मोबाइल है, ओके। एंड यहाँ पे अपने मोबाइल में जो है इस अननोन फोन से मैं कॉल करूँगा, ओके। एंड यहाँ पे जो है ना, अभी सबसे पहले जो है ये वाला जो मोबाइल नंबर है ये मेरे इस फोन में सेव है, तो सबसे पहले मैं कॉल करूँगा। तो यहाँ पे चलिए मैं कॉल लगा देता हूँ यहाँ से, एंड इसमें कॉल आ जाएगा, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कॉल अभी आ रहा है, ओके। एंड इसके बाद जो है ना, मैं इस नंबर को यहाँ पे इस मोबाइल में जो है अभी सेव नहीं करूँगा, यानी डिलीट करूँगा, यानी इसको जो है यहाँ से हम जो है डिलीट कर देते हैं और ये बन चुका है अभी अननोन नंबर, ओके, क्योंकि ये हमने सेव नहीं किया है, ओके। एंड अभी मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ इस मोबाइल से और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे ये जो नंबर है ये अननोन नंबर बन चुका है, ओके। एंड ये हमारे मोबाइल में सेव नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ना अननोन नंबर जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है वो ब्लैक लिस्ट में हो जाएंगे सारे के सारे। जो भी आपके मोबाइल में सेव होंगे कॉन्टैक्ट वही कॉल कर पाएंगे, अदरवाइज जो फालतू के कॉन्टैक्ट आपके मोबाइल में आते रहते हैं, कॉल आते रहते हैं आपको, वो सारे कॉल आपको नहीं आएंगे, ओके। सो इसके लिए आपको क्या करना है अपने मोबाइल में ये मैं आपको बता देता हूँ। एक एप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है, ओके। सो एप्लीकेशन का नाम मैं आपको एंड में बता दूंगा, सबसे पहले इस एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे ओपन कर देंगे तो इसको यहाँ पे जो है कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे परमिशन अलाउ करेंगे और अलाउ पे क्लिक करेंगे और जितनी भी परमिशन ये एप्लीकेशन लेगा उसे ऑन कर देना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ओके। एंड यहाँ पे कॉल का ये ऑप्शन है ना, इसे ऑन कर देना आपको, ओके। एंड यहाँ पे आपको प्राइवेट नंबर पे यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे अननोन नंबर पे क्लिक कर देना है, ओके। अब ऐसा होगा दोस्तों कि जो भी कॉल यहाँ पे अननोन नंबर से आपके मोबाइल में आएगा ना, वो ऑटोमेटिक जो है फ़ोन कोई भी हो, ठीक है, किसी का नंबर हो, वो जो है ब्लैक लिस्ट में ऑटोमेटिक पड़ जाएगा, यानी आपको कॉल नहीं आएगा अननोन नंबर का और प्राइवेट नंबर का, ठीक है। अदरवाइज जो नंबर आपके मोबाइल में सेव होगा, ये आपको ध्यान रखना है, जो नंबर आपके मोबाइल में सेव होगा उसी का कॉल आपको आएगा, अदरवाइज फालतू का कॉल किसी भी पर्सन का आपका आपके मोबाइल में नहीं आएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के लिए अभी हम जो है इस नंबर को सेव कर लेते हैं, ठीक है। पहले मैंने यहाँ पे ये डिलीट कर दिया था, आपको पता है। अभी हम इसको यहाँ पे ऐड कॉन्टेक्ट पे यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ पे नाम दे देते हैं, ठीक है। नाम दे दिया और यहाँ पे सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है सेव हो चुका है, ओके। एंड अभी हम आपको दिखा देते हैं अपने दूसरे मोबाइल से इसी से, ठीक है। अभी ये इससे पहले ये यहाँ पे क्या क्या बता रहा था ये देख सकते हैं आप, कॉल करने के लिए धन्यवाद, कॉल आ रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि पहले ये जो है नंबर इस मोबाइल से जब हमने कॉल किया था तो यहाँ पे बता रहा था जो है बिजी है, यानी ब्लैक लिस्ट में ऑटोमेटिक पड़ गया था। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक का यूज़
इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। और एक मज़ेदार बात ये भी है दोस्तों इस एप्लीकेशन में कि जो आपको ढेर सारे अननोन नंबर से यहाँ पे मैसेज आते हैं ना, उसको भी आप यहाँ से जो है कंटिन्यू पे क्लिक करके, यहाँ पे सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करके इसे डिफ़ॉल्ट कर देना है, ओके। एंड SMS पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ से अननोन नंबर से जो आपको SMS आते हैं वो भी आप यहाँ से क्लिक करके उन सारे मैसेज को भी आप बंद कर सकते हैं, ओके। तो ये काफ़ी कमाल का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का नाम मैं आपको बता देता हूँ, कॉल ब्लैकलिस्ट है। इसे आप इजीली तरीके से प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर में जाएंगे हम, ओके, यहाँ पे, और यहाँ से आप इंस्टॉल कर देना, ओके, यहाँ से। तो यहाँ पे कॉल ब्लैक ये है, ठीक है, और इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लेना।